नमस्कार, मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, यह एकौना पंचायत है और एकौना पंचायत का हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात है कि इस पंचायत के निर्विरोध चुने गए हैं, इनके विपक्ष में कोई भी, इतना बड़ा एकौना पंचायत है और ये दक्षिण एकौना के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एकौना पंचायत काफ़ी अपने आप में मशहूर पंचायत है और काफ़ी अच्छी खासी, मतलब यहाँ की आबादी भी है, यहाँ के लोग भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष में खड़ा नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कुशल व्यवहार का परिचय देना होता है। क्योंकि एक अच्छे व्यवहार के धनी जो इंसान होते हैं, तभी ये लोकतंत्र है, सबको विपक्ष में खड़े होने की आज़ादी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इनकी एक कर्मठता कही जाए, ईमानदारी कही जाए या जुझारूपन कहा जाए, एक ऐसे कुशल व्यवहार के धनी माने जाते हैं। आप देख रहे हैं इनके विपक्ष में कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है, कोई भी कैंडिडेट इनके विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ है, अपने आप में तारीफ़ काबिल है। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि इतने बड़े जीत कहा जा सकता, अपने आप में गौरवमय जीत कही जाएगी, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि एक जबरदस्त जीत कही जा सकती है, चूंकि आपके यहाँ शायद 12 सदस्य जो है वो भी निर्विरोध है, आप भी निर्विरोध है, यानी कि आपके विपक्ष कोई खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपका व्यवहार, आपकी कुशल गुणवत्ता लोगों के सामने दिखी है, तो एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हमारे पूरे ग्रामीण जनता है, क्योंकि जनता ही चुनाव जिताती है और हराती भी है। जनता के बीच में हमने बहुत अच्छा काम किया। जितने अभी पूरे मैंने 10 मैंने पैक्स अध्यक्ष रह चुका हूँ और इस बीच जनता के प्रति हमारा कोई शिकायत नहीं आया है। मैंने जनता के काम के प्रति बहुत जागरूक रहा हमेशा और उनके शिकायत का मौका नहीं दिया, इसलिए जनता भी हमको आज उसी तरह से फिर हमको एक सरकार पहनाई। ऐसे तो चुनाव के समय में बहुत लोग घूमे फिरे, कैंडिडेट थे अनेक प्रकार के, दो चार कैंडिडेट थे, वो पूरे पंचायत में घूम घूम कर जनता से सलाह मशवरा लिया कि क्या पोजीशन रहेगा मेरा, लड़ेंगे तो मैं क्या पोजीशन रहेगा, लेकिन वो जनता ने हमको जवाब दे दिया उनको कि भाई वो उनसे हमारा कोई शिकायत आज तक नहीं है, तो किस आधार पर वोट मैंने कि विखंडन किया जाए। इसलिए लोग सहम गए धीरे धीरे, अपना सब लोग नहीं आए। बहुत सुंदर आप लोग देखा, कितने सुंदर और तरीके से एक कुशल व्यवहार से अपने लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट करने का जो गुण होता है वो निश्चित तौर से सिंह साहब में है। और काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने बताया कि हमारे साथ जितनी भी आम जनता है, हमारे विरोध भी खड़े होने वाले लोगों ने लोगों को एकजुट करने की कोशिश किया, लेकिन लोग उनके साथ नहीं जा पाए और आम आवाम किसानों ने और मजदूरों ने और आम जनता ने मुझे निर्विरोध किया और इसका सारा का सारा से आम तमाम जनता को जाता है। सर जानना चाहेंगे, चूँकि किसानों ने तो अपना काम कर दिया, 100% आप पर विश्वास किया, किसानों के बारे में आपने क्या सोचा है आगामी? क्या किसानों के लिए आगे भी भविष्य में किसी तरह का तकलीफ ना, उनका हर काम समय पर हो। जैसे अभी धान की खरीदारी की समय आए, हमारे पंचायत में हमेशा हर साल धान की खरीदारी समय से होती है और उसमें किसानों को समय से पैसा भी मिल जाता है। आज तक एक भी किसान का पैसा पैक्स के ऊपर बकाया नहीं है, समय से मिल जाता है। यही हमारी बड़ी उपलब्धि है और इसी उपलब्धि के बदौलत आज किसान हमको फिर आगे दिए हैं। आप ये लगातार हमारे ख्याल से तीसरी बार यानी कि इसको हैट्रिक कहा जा सकता है, आपने हैट्रिक चांस मारा है। और आप ये पहली बार निर्विरोध हुए हैं या इसके पहले भी निर्विरोध? नहीं, ये पहली बार निर्विरोध है, दो बार इलेक्शन से हुए हैं। निश्चित तौर से लोगों को ये समझ में आ गया कि अब किसी दूसरे प्रत्याशी की जरूरत नहीं है, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, हमारे जो भी प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर से आप अच्छे हैं और आपके व्यवहार से लोग वाकिफ है, तब जाकर आपको तीसरी बार हैट्रिक चांस देना एक बहुत बड़ी बात कही जाएगी, वो भी पैक्स चुनाव में। पैक्स अध्यक्ष विलेज पॉलिटिक्स इसको कहा जाता है और अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त गरिमामय पोस्ट होता है, क्योंकि यहाँ अपने लोगों को ही साथ में लेके चलना होता है और अपने लोगों से ही संबंध बनाना होता है। इसमें खास पार्टिकुलर लोग ही इसमें मत दे पाते हैं, सारे लोग इसमें मत नहीं दे पाते हैं अपना। निश्चित तौर से यहाँ की आम जनता ने इन पर विश्वास किया है और इतना बड़ा पंचायत होने के बावजूद भी इनकी कर्मठता और सलता के बदौलत यहाँ का कोई भी विपक्ष इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई भी विपक्षी नहीं हुआ, सब लोग इनका साथ दिया, सपोर्ट किया और फिर से इनको चेयरमैन बनाया। बहुत ही अच्छा लगा।
जितनी भी किसानों की परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने का काम हम करेंगे। और किसानों ने मुझे अपना नेता माना है और इतना बड़ा सम्मान दिया है, इसके लिए मैं उन लोगों का ऋणी हूं। और निश्चित तौर से जो भी उन लोगों का काम पड़ेगा, जैसे भी काम पड़ेगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, मैं उसको भली भांति पूरा करूंगा और सरकार से किसानों की हर समस्याओं के लिए लड़ूंगा। कहीं से भी किसानों को या मजदूरों को या आम वाम जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सबकी समस्याओं को समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा और 100% हमारा प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।